ऑलराइट, क्या ले भाई लोग, होप आप लोग सब मस्त एंड फर्स्ट क्लास हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओकुडो में अपना कैसे मनी ऐड कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है कि भाई इसमें हम मनी ऐड करना चाहते हैं लेकिन ऐड नहीं हो पा रहा है, वॉलेट इसमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो सो आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है एंड मेरे साथ में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि एक फोन से दूसरे फोन में मेरे को वीडियो बनाना है। अभी इस पर आप लोगों को बताऊंगा, फिर जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में प्रॉब्लम पता पड़ जाएगा ऐसा किस रीजन से। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल बने हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है एंड आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं ला सकूं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, अपना यहां पे ओकुडो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद यहां पे सिंपल सा अपना यहां पे फिंगरप्रिंट दे देना है, आपको ऑथराइज यहां पे मांगा जाएगा या नहीं तो अपना यहां पे लॉगिन पिन डाल देना है, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह का ही इंटरफेस आ रहा है। आई नो, मैं जानता हूं कि वहां पे वॉलेट का ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा होगा, वो किस रीजन से आप लोगों में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा तो वो पेरेंट्स पे आप लोगों ने क्लिक करके क्रिएट किया होगा। पेरेंट्स पे मतलब कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर्स में छोटे बच्चे के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। सो आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देके आपने केवाईसी अपना कंप्लीट किया तो पेरेंट्स पे आपने जब क्लिक किया ना तो आपका ये पेरेंट्स वाला होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप ये कहोगे कि भाई जो टीनेजर्स का होम पेज रहेगा वो कहां देखने को मिलेगा, सो आपको वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। जब आपने फर्स्ट टाइम यहां पे आपने नंबर दिया होगा एंड नंबर देने के बाद आपने इंटरफेस किया होगा, कौन सा, लॉगिंग वाला नंबर नहीं, जब आपने यहां पे केवाईसी करते वक्त आपने जो नंबर दिया होगा ना, एज लाइक मैंने ये वाला नंबर दिया, एमए नाम यहां पे देख लीजिए, ये नाम मैंने दे रखा है छोटे बच्चे का जो भी आपके घर में रहेगा, तो यहां पे ये नाम आपको शो करेगा। जैसे कि एज लाइक मैं इसे अभी कट कर देता हूं, उधर से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यहां पे पेमेंट डिटेल के, तो आप देख लीजिए यहां पे मेरा डेबिट कार्ड आ गया था, मैंने उसका अनबॉक्सिंग भी आप लोगों को किया था एंड करके भी दिखाया था। सो यहां पे मैंने अपना डेबिट कार्ड एक्टिव किया, वो दूसरे मोबाइल से एक्टिव होगा, वो टीनेजर्स के अकाउंट से एक्टिव होगा। यही सेम ओकुडो एप्लीकेशन जो आपने यहां नंबर दिया था उसी नंबर से आपको अपने दूसरे मोबाइल में एक्टिव करना है, टीनेजर्स मोबाइल में एक्टिव करना है, छोटे बच्चे का जो मोबाइल होगा उसमें एक्टिव कर देना है, वही नंबर ओटीपी वेरीफाई कर देना है। जब आप उसमें एक्टिव करोगे ना तो रेफरल कोड मांगेगा, तो आपको अपना इसका रेफरल कोड उसमें फिल कर देना है, ऑटोमेटिक वो नंबर यहां पे उठ के आ जाएगा एंड यहां पे ऐड हो जाएगा। देख लीजिए अफरोज आलम, यहां पे 46 रुपीज यहां पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, तो ये आपका रेफरल का इनकम मिलेगा। कि यहां पे बात करें और कुछ यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, देख लीजिए सब कुछ यहां पे नॉर्मल है एंड यहां पे आप लोगों को मैंने दिखाया था कि रिक्वेस्ट के लिए 5 रुपीज एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिला था, वो कैसे देखने को मिला था आप लोगों में बताऊंगा। बाकी यहां पे आप लोगों को सब इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। सो अब चलते हैं मेरे सेकंड फोन पे एंड आप लोगों को वहां पे अपना वॉलेट का सेविंग अकाउंट एंड प्लस जो आपका खर्चे के लिए वॉलेट है वो आपको दिखाने वाला हूं, अपना सेविंग अकाउंट दिखाने वाला हूं, उसमें मनी कैसे ऐड कर सकते हैं वो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं क्योंकि आपका फर्स्ट इंटरफेस यही मिलेगा। तो चलिए सेकंड मोबाइल आ चुके हैं अपने सेकंड मोबाइल पे एंड ये देख लीजिए मोबाइल का पूरा लुक चेंज हो चुका है। ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहां पे ओकुडो का, ये ओकुडो एप्लीकेशन ओपन करना है, ऑलरेडी मैंने यहां पे ओपन कर रखा था। ओपन करने के बाद आपका फर्स्ट यहां पे आपको लॉगिन करने को बोला जाएगा, तो आप अपना वही नंबर यहां पे डालकर लॉगिन करना, ओटीपी वेरीफाई करना जो आपने अपने ओकुडो पेरेंट्स में लिंक किया था, जब आपने केवाईसी करते वक्त लिंक करवाया गया था वही नंबर डाल के आप यहां पे लॉगिन कर दीजिए। जब आप लॉगिन कर दोगे तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपका यहां पे नाम आएगा एंड यहां पे आपके बच्चों का नाम आएगा, ये देख लीजिए आपका बच्चे का नाम है, ये आपका नाम आ जाएगा। यहां पे आपका कार्ड डिटेल आपको देखने को मिलेगा, वीजा पेल्टेनियम का, प्लस यहां पे देख लीजिए बताया जरा आपका डिलीवरी यहां पे सक्सेस हो चुका है। अब यहां पे स्क्रॉल करोगे देख लीजिए आपका अकाउंट नंबर यहां पे देखने को मिलेगा, सेविंग अकाउंट मिलेगा, टास्क का, लर्निंग का, आपका यहां पे जो बच्चा है वो यहां पे टास्क भी कंप्लीट कर सकता है, यहां पे लर्निंग भी कर सकता है या अदरवाइज यहां पे सेविंग कर सकता है। अब यहां पे बात करें कि अकाउंट में यहां पे मेरे कितने रुपीज है, तो अभी देख लीजिए 51 था, यहां पे 46 बचा हुआ है, 5 रुपीज मैंने अपने सेविंग में ट्रांसफर किया। तो यहां पे आपको ये सेविंग अकाउंट देखने को मिलेगा, तो आपका अगर लड़का चाहता है कि मैं अपना खर्चा यहां पे जो मेरा बचा हुआ वो सेविंग में मैं ट्रांसफर कर सकूं, तो यहां पे देख लीजिए ऐड टू सेविंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड टू सेविंग पे क्लिक करोगे तो यहां पे जो आपका खर्चा वॉलेट में जितना अमाउंट रहेगा यहां पे आप वो अमाउंट डाल दीजिए एंड यहां पे देख लीजिए ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट, आपका ये ट्रांसफर होकर यहां पे सेविंग अकाउंट पे आ जाएगा। विड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपल से विड्रॉ पे क्लिक कीजिए, यहां पे डालिए 5 रुपीज जितना मेरा अभी अमाउंट है, आप जितना भी विड्रॉ करना चाहते हो जितना आपका पैसा रहेगा, यहां पे विड्रॉ टू यहां पे स्पेंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देख लीजिए ट्रांसफर हो चुका है आपके यहां पे खर्चे वाले वॉलेट में। अब यहां पे देख लीजिए मैं दोबारा होम पे जाता हूं, यहां पे वॉलेट अपना ओपन किया, देख लीजिए टोटल यहां पे 51 रुपीज हो चुका है। सो अब रह गया कि इसमें मनी कैसे ऐड कर सकते हैं, तो देखिए यार मनी ऐड करने के लिए आपको यहां पे रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, ऐड एंड रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में देख लीजिए आपका यहां पे नंबर एंड यहां पे नाम शो करेगा, यहां पे ओकुडो पेरेंट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ओकुडो पेरेंट्स मतलब आपने जो अपने पेरेंट्स आईडी आपने क्रिएट किया था वो आपको देखने को मिलेगा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आपका नाम, आपका यहां पे नाम एंड नंबर सब कुछ यहां पे शो कर जाएगा, कितने रुपीज आप यहां पे ऐड करना चाहते हो, सिंपल सा यहां पे आप जितना भी रुपीज 500, 1000, 2000, 5000 जितना ऐड करना चाहते हो। नोट के लिए आप यहां पे कुछ भी अपना नाम भी डाल सकते हो वो चलेगा एंड उसके बाद कंफर्म पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इधर से देख लीजिए यहां पे रिक्वेस्ट हो चुका है, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल यहां पे सेंड कर दिया गया। अब आपका जो पेरेंट्स वाला अकाउंट होगा उसमें रिक्वेस्ट
जा चुका है, सिंपल सा उसमें जाके अप्रूव करना है। वो कैसे करना है आप लोगों को वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को दिक्कत होगा लेकिन मैं बताएगा। सो उस वाले मोबाइल में जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे एक और बात समझना पड़ेगा, जितना भी आप यहाँ पे पैसा रिसीव करोगे सेंड करोगे यहाँ पे देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप जो जो यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन करोगे रिसेंट हिस्ट्री देखने को मिलेगा रिसीव का या नहीं तो यहाँ पे किसी का सेंड का। अगर किसी को रेफर करते हो, अगर आप यहाँ पे किसी को रेफर करते हो अपने रेफरल कोड से अकाउंट से ज्वाइनिंग कराते हो तो 51 रुपीज आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। बाकी यहाँ पे टैक्स का लर्निंग ऑप्शन मिलेगा, आप ये चेकआउट खुद कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे बात करें तो ये देख लीजिए आपका यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर अपना यूपीआई पिन डाल देना है, आपका जो भी आपने लॉगिन पिन डाला था यहाँ पे मेरा कार्ड आ चुका है देख लीजिए। एंड यहाँ पे कार्ड नंबर सीबीपी नंबर एक्सपायरी नंबर सब कुछ शो कर जाएगा। थ्री लाइन पे क्लिक करें तो सेम टू सेम आपका जैसे पेरेंट्स वाला था सेम इसी तरह यहाँ पे टीनेजर्स वाला रहेगा। सो अब चलते हैं आपको नेक्स्ट मोबाइल में लेकर पहले वाले मोबाइल पे एंड दिखाते हैं कि वहाँ पे मनी ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट आया है या नहीं आया है। सो हम आ चुके हैं सेकंड वाले मोबाइल पे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा था। अब उसके बाद आप लोगों को एक बार रिफ्रेश करना है, जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो देख लीजिए मनी ऐड करने के लिए यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट आ चुका है। आप देख सकते हो अफरोज आलम, यहाँ पे आपका जो नंबर रहेगा जो मैंने लिंक किया था नंबर केवाईसी का टाइम करते वक्त जो अपना टीनेजर्स बच्चों के लिए नंबर लिंक किया था वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने डाला था यहाँ पे एड नोटिस पे तो यहाँ पे नोटिस भी आपको देखने को मिलेगा। अप्रूव एंड रिजेक्ट ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे देख लीजिए 500 रुपये का अप्रूव किया गया है। आप चाहो तो यहाँ पे दोबारा भी एडिट कर सकते हो, अलग से आप यहाँ पे एडिट डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे जैसे आपका मनी ऐड हो जाएगा आप यहाँ पे नोट भी डाल सकते हो चलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे, जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करते हो यहाँ पे देख लीजिए मनी ऐड करने के लिए आप यहाँ पे पेटीएम का यूज कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप यहाँ पे कुछ भी यूज करके आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ अपना जूनियर कार्ड, यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूंगा। जितना यहाँ पे देख लीजिए इसका कार्ड नंबर एक्सपायरी नंबर सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। जूनियर कार्ड में मेरा यहाँ पे कुछ अमाउंट है तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे मांग रहा है तो आपके रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं डिले पे क्लिक कर देता हूँ, अलाउ पे क्लिक नहीं करना। ओटीपी आया, ओटीपी यहाँ पे फिल करके पे नाउ पे क्लिक करना है। ये देख लीजिए मैंने ओटीपी फिल कर दिया, उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ मेरा पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद ये देख लीजिए मनी ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैंने 50 रुपीज किया था, 500 रुपये नहीं किया था, अभी देख लीजिए मनी ऐड हो रहा है, यहाँ पे डन हो चुका है, मनी यहाँ पे मेरा पूरा डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसे शेयर भी कर सकते हो आपका ये जो रहेगा, या नहीं तो आप यहाँ पे डन पे क्लिक कर सकते हो। एंड आपका यहाँ पे देख लीजिए पहले यहाँ पे कितना था, 51 रुपीज था, अभी यहाँ पे 101 रुपीज, मतलब 101 रुपये मेरा यहाँ पे पैसा हो चुका है, 101 रुपीज ऐड हो चुका है टोटल मेरे अकूडो बैलेंस में। अब इसे आप चाहो तो एटीएम से निकाल सकते हो या नहीं तो कहीं पे भी शॉपिंग भी कर सकते हो। तो आप लोग सब कुछ समझ चुके हो कि कैसे आपको अपने अकूडो अकाउंट में मनी ऐड करना है या आप उसमें अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। एंड वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे।